आज राजस्थान दो कार्यक्रम है, एक रोड शो है और एक नाथद्वारा में आम सभा है, दोनों संबोधित करके आऊँगा। आज आखिरी दिन है और उसके बाद फिर तेलंगाना कार्यक्रम बन रहा है, वहाँ भी जाना है। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया, अब कहाँ से आ जाएगा। तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए ये करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है सर। रमन सिंह जी आज डीए बढ़ाने के लिए उन्हें पत्र लिखा था कि रेलवे के लिए, रेलवे में क्यों पत्र नहीं लिखते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और रेलवे के लिए भी पत्र लिखे ताकि सही समय में चले और बंद ना हो। रेलवे में भर्ती भी है उसके लिए भी चिट्ठी लिख दे, तो कुछ युवाओं को भला हो और कुछ ठीक है। तीनों किसान वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे के बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना रखा है। सोशल मीडिया में बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रही है और कह रही है कि कांग्रेसी लंका पर सन्नाटा पसरा हुआ है, रावण से तुलना कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया में। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहरी उगलेंगे ये लोग। सर ये यंग इंडिया पर जो कार्रवाई हुई है, तो उस समय किसने रोका था उसको, और धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था आयोग की जांच की जांच न करें। तो अड़ंगा डालने का काम तो वही किया था लगातार। जिरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी को बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया। और भारत सरकार से जो आदेश आया उसे 2 साल तक दबा क्यों रखा था। तो रमन सिंह जी पता नहीं उसके किस प्रकार से कोई बयान लिखता है, किस प्रकार से जारी करता है, उसको पता भी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सारी घटनाओं के लिए तो वही जिम्मेदार है। और उसके बाद जीरम घाटी की जाँच कराएंगे, और वो तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एनआईए ने जो आवेदन किया था स्टे नहीं दिया, उसको खारिज कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस जांच करेगी, वो बोले ना बोले उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एसआईटी गठन हो गया है और जांच करेगी। सर ये यंग इंडिया पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं। वो तो ऐसा है कि जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी आईटी लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई उनके खिलाफ नहीं, वो सब बोलते रहे, वो कुछ भी बोले, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप कुछ सवाल खड़ा करेंगे या किसी कुछ बोलेंगे तो दूसरा तो जवाब देगा ही ना। अब जवाब मिलता है तो फिर बौखला जाते हैं, विश्वगुरु बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब तक के आप लोगों के चुनाव अभियान को प्रभावित करने के लिए ईडीआईटी के साथ पर रहते हैं, अब क्या विधायकों को डराने धमकाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। जितना नीचे आप सोच सकते हैं वहां से वो शुरू करते हैं, वो इस नीचे जाने की स्तर की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।